और वो बना दे रहा है, आप लिखते हैं थोड़े दिन पहला भी माफी मांगता है, मेरा मुख्यमंत्री तीन दिन पहला भी गलती होगी मैंने कोई गलती नहीं की मैंने, और मैं ऐसे ही करूंगा जिसका जिक्र जो कुछ कर लेना। और ये तो ज्यादा इसने किराया देना बेचारे ने तीन महीने दे, इसका किराया दे दो ना बेचारा रोला रहा दस का खड़ा हो गया। सुन लो कित पड़ रहे हो, आ जाओ सारे। देखो मैं तो यही बोलता हूँ, नाम नाम मेरा बाड़ी बोलते हुए ठाटे ना आ रहे। मेरा काम है सिर्फ जो मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, स्वागत आज जो भाई बड़े लाला जी आए हुए, मंत्री जी, गुप्ता जी और असली माल्य के मनीष गोयल बैठे हैं, और मनीष गोयल का माल्य के नून मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मेरा काम है आज जो ना निकाल दिया है इनको, कहा था पहले तक भाई कौशल में क्योंकि ठेका तो सरकार कह रही है कि भाई हम बंद कर रहे हैं, तो कितने दिन आ गए 8 साल और कितने महीने की तनख्वाह बंद। आप मेयर साहब से मिले थे पहले कभी? मेरे आपके पास जानकारी नहीं होगी शायद। 3 महीने से इनकी तनख्वाह रुकी हुई है और इन लोगों को निकाल दिया गया क्योंकि कोरोना में भी इनने काम करा। 8 साल तक काम करने वाले मेयर साहब, हम आपके पास ये लेके आए हैं इन लोगों को, इनकी रोजी रोटी आप बचा लो आप, क्योंकि ये बहुत परेशान है, सारे लोकल आदमी है, गरीब आदमी है, तो हम आपके पास ये आए हैं। अब भाई आप इनकी समस्याओं का समाधान कर दो, मुख्य यह है ना भाई, 3 महीने की आपके पास रिपोर्ट होगा, कमिश्नर बता देगा, यह है ना भाई। 8 साल हो गए, जो 8 साल आदमी काम कर लिया वो कहाँ जाएगा? कौशल निगम का तो फिर मतलब नहीं रहा, 1 मिनट हो गए। तो इसलिए आप इसके ऊपर, ये सब लोग हैं आप लोगों के सामने, मीडिया वाले भी लोग हैं, आप इनकी समस्या समाधान करो। हनुमान जयंती है, बोलो हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान जयंती है, हनुमान जी आपने भी आशीर्वाद देंगे, दे देंगे ना भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपनी बात इनके साथ मुक्ति देंगे। है इसका एक तरीका बना लेते हैं, आप कैसे 2-3 आदमी टाइम अपना चुन लो और मैं ठेकेदार से भी मिला के बात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा है। पिछली बार एक महीना पहले हमने बात चलाई थी कि मैं इनको तनख्वाह दो, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि जी मैं तनख्वाह इस वास्ते नहीं दे सकता कि स्टे ले रखा है, स्टे अगर हटाते हैं तो इनको 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी, वरना ठेकेदार अपने पास से दे। ठेकेदार जब भी कोई काम लेता है तो ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है कि वो आपकी तनख्वाहें देवे, आपसे जो काम लेता है उसी की जिम्मेवारी होती है। अब आप ऐसा करना कि 2-3 आदमी अपने कर लेना, ठेकेदार से टाइम दे लेंगे, वो शायद गुड़गांव में रहते हैं, उनसे बुला लेंगे, बुला कर उनसे कहेंगे कि तनख्वाह दो या कोर्ट से अपना वापसी लो। रोजगार की बात तो इसके बाद आएगी सरकार से, क्योंकि सरकार से कौशल रोजगार में नाम दर्ज होने वाली बात है, उसके लिए क्या तरीका बनेगा क्या नहीं, कमिश्नर साहब को भी बिठा लेंगे और ठेकेदार भी बैठ जाऊंगा, 2 आदमी तुम्हारे में से बैठ जाऊंगे, तब होगा उसका फैसला, वरना तो भी ऐसे चलता रहेगा। अगर शर्मा जी ने भी आना हो तो भी आ जाओ, नहीं मेरी तो कोई बात नहीं है, आप 2 की बजाय 5 आदमी ने बैठा लिया, कोई इशू नहीं है, हमने चाहे बैठाने की भी जरूरत नहीं है मेरे साहब, हमारा बस आएगा सामने नहीं बैठेगा तब तो इसका समाधान नहीं होगा, क्योंकि तो ठेकेदार के पास ही इनका अकाउंट है, ठेकेदार के पास ही इनकी हाजिरी है सारी बात, तो ठेकेदार को बुलाएंगे, आप आ जाना, जब टाइम रखोगे ठेकेदार को टेलीफोन कर देंगे, कमिश्नर साहब से कर लेंगे, बैठ कर बात करेंगे। आप टाइम बता दो आप किस दिन आना, आप 1 मिनट रुको, अरे हमने के मतलब कौन आओगा नहीं आओगा, ये टाइम दे रहे हैं ना हमने, हम तो ये इनसे टाइम ले रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, आप बता दें भाई। एक बात बताओ, आज के बार हज शुक्र शनिचर हो गया, सोमवार
एक मिनट, कोई बात ना, सोमवार ने आज बुला लो ना, बताओ, कोई बात नहीं, रुको रुको, सोमवार को मंत्री जी आ रहे हैं, मंगलवार को टाइम रख लो। कौन से मंत्री जा रहे हैं जी? इन तो मंत्री आने तो पहले बात बुलाओ जी, मंत्री का केले आ दो, आप किसी ने देने, आप सुनो रे सुनो, ठीक है नहीं नहीं, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट, अरे डुट रुको रुको, आप कल का दे दो, परसों आ जाओ, चाहे संडे का दे दो, कोई इशू नहीं है। देखो आप अगर कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपकी कमिटमेंट को तो मान लेंगे, और हम किसका ठेकेदार, हमने थोड़ी फोन करेंगे जी। हाँ हाँ ठीक है तो ये फिर हम डिसाइड कर लेंगे, ये हम आपको डिसाइड करके बताएंगे, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि देखो 8 साल, देखो मेयर साहब, हाँ भाई कौशल रोजगार में जानना तैयार हो तुम, सारे थे 8 लाख बताओ, ये सारे, क्योंकि मेयर साहब 8 साल 7 साल कोई आदमी काम करा है, वो कितने ज्यादा धक्के खाओ भाई, इन लोगों ने काम कर रखा है, लोगों की सेवा कर रखी है, खासकर कोरोना काल में काम कर रखा है, तो इतना तो हमारा भी, सरकार का भी, आप लोगों का भी इतना वो होना चाहिए। तो हम आपको कल तक हम आपको बता देंगे कि किस दिन आओगे, आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, ठीक है भाई, और नहीं तो सोमवार ना होगा भाई मंत्री जी, ठीक है, हम चाह रहे हैं आपके हाथ का शुभ काम हो जाए, नहीं तो फिर मंत्री नहीं देखेंगे भाई और की कर सकते, ठीक है ना, हम आपको बता देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी है जो कि करीब 8 साल से जॉब कर रहे हैं, कोरोना ही होता है, कोरोना के टाइम में इनने काम करा है, निगम के अंडर में काम कर रहे थे 8-8 साल से काम, और क्या चल रहा है, इनको हटा दिया गया, इनकी 3-3 महीने की तनख्वाह मान ली, कितने महीने ये 3 महीने की तनख्वाह, तो इनकी जो नौकरी है वो ना हटाई जाए, उसके लिए आ जाए थे, इनकी 3 महीने की बकाया दी जाए, मेयर साहब मिले, मेयर साहब आश्वासन दे गए हैं कि भाई अपने 5 आदमी भेज दियो, तगाजे तो कार्रवाई कर देंगे, तो कर देंगे, तो मेयर साहब का धन्यवाद हम कहेंगे, आज वैसे भी हनुमान जयंती है, हनुमान जी उन पर कृपा प्रसाद, और ये सारे हनुमान भगत आ रहे हैं, आ रहे हो ना भाई, हनुमान भगत धक्के खाते आंड है, तो वो ठीक नहीं है, हनुमान जी अगर गुस्सा होंगे तो मेयर साहब को हमने बता दिया है, या तो समाधान करा दे, नहीं तो 23 तारीख ना कह रख रहा हो, सोमवार ना आवे मंत्री निगम का, तो मंत्री अगर यहाँ पाएगा, अगर इनका समाधान करेगा तो फूलों की मालाओं से उनका स्वागत करेंगे, पूरा स्वागत करेंगे, नहीं तो जूतों की मालाओं से स्वागत करेंगे, इसलिए हम मंत्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने इनको ये कहा था, आप किसी को नहीं हटाएंगे, सबको कौशल रोजगार के तहत ले लेंगे, जब वो कह रहे हैं ठेकेदारी प्रथा बंद होगी है, तो मुख्यमंत्री क्या था झूठ बोल रहे हैं, बंद होगी भाई प्रथा नहीं हुई, तो इसलिए आज मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, नकली मुख्यमंत्री जी, खाट पे चर्चा हुई थी, और खाट पे चर्चा के दौरान हमने अपनी समस्या उनको बता दी है, आज ये समस्याओं का समाधान कर दे, और नहीं तो खाट खूट पे करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब तेरी खाट न खड़ी कर दे, खाट न खड़ी कर दे, ये आप उनके मंत्री मुख्यमंत्री और जो CID वाले भाई है ना, जो पुलिस वाले भाई है, ये बात उनको पहुंचा देना, अखाड़ा आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर समस्या समाधान नहीं होगा, काले धाड़ी जिलों में आए हैं, क्योंकि आटा तेल चीनी हमारे घर में कुछ नहीं रहा जी, 3 महीने तक हमारी जो सैलरी है पेंडिंग पड़ी है, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, रोज का एक दिन बीता है, दिन पुराना होता जा रहा है, हमारी कोई निगम के जो भी हमारे कार्यकर्ता है कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, मैं जी 3 महीने तक किराए पर हूँ जी, मैं 12,000 रुपए मेरा किराया हो रहा है, ठीक है, किराए वाले मालिक रोज आओ भाई अपने बर्तन भांडे ठाक है बाहर निकट ले, ताला लगा दिया जी, मैं अपने बालका ने लेकर कटे जाऊँ कटे नहीं जाऊँ नो बताओ, मैं पूछना चाहूंगा ये जितने भी है हमारा जो निगम का कमिश्नर है, जब यो रोहतक में जब इसने एंट्री करी थी, जब इसकी कोठी पर हम गए थे इसका सामान दरवाने के लिए, इसके जो रसोई घर वाले बंदे थे, जो इसके कोठी के कार्यकर्ता थे, नु कह रहे थे भाई महाराज जो कमिश्नर है 1 नंबर का कमिश्नर है, इसने
जोनसिप डिस्ट्रिक्ट में गया है, शहर चमकवाया है, गरीबा के हक में बोला है। ठीक है मगा भाई, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बहुत बढ़िया बात है, गरीबा के हक में बोला है। चलो मारी खुशी है या रोहतक में यो आया है। आपकी बातें नहीं मानी तो आगे की रणनीति क्या रही? रणनीति जी आ रहे होगी जी, जो कर रहे नवीन जैन के हो गए उस तरह मुख्यमंत्री तैयार है। ठीक, रोज प्रदर्शन सकते रहेंगे जी, अपने बालका ने लेकर याद आओगे निगम में। ठीक है जी, अगर सरकार हमारी मांग का नगर मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपने बालका ने लेकर याद। ये अनोखा प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, हम कोई 8 साल से कोई 9 साल से रोड पर काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी यार ईब हमारे को हटाया गया है, नया ठेकेदार आया, वो बोला कि मेरे को 200 लोगों की भर्ती मिली है, मैं अपने 200 लोग लगाऊंगा, तो हम कहाँ जाएं जी, इतने दिन से काम कर रहे थे। ये बताओ हमारी समस्या ये किराए के मकान है, हमारे किराए के मकान में रहते हैं हम, बच्चे हमारे बिना एडमिशन के घर पर बैठे हैं, 3 महीने से हमारी तनख्वाह रुक रही है, करें तो हम क्या करें, अपने बच्चे ने क्या खिलाएं। और खट्टर साहब ने घुमाना रैली में गया था, उसने ये कहा था कि कोई भी मजदूर नहीं हटेगा, जो कर्मचारी है या तो नगम ले होगा या फिर कौशल रोजगार में ले होगा, ई मार धक्के मार दिए। ये बताइए हम कहाँ जाए, कि इतने दिन की तनख्वाह रोक रखी है, कोई छोड़ सकता है इतने दिन की तनख्वाह, इतना तो हमारा कर्जा सिर हो गया। बताइए हम कहाँ जाए, 3 महीने से दुकान पे हमने राशन नहीं मिल रहा, ये नौकरी देख के हमारे कार्ड काट दिए, और बताइए हम क्या करें, क्या खाएं, हम भूखे मरें और प्रदूषण ना करें तो और क्या करें, ये बताओ हमको कहाँ जाए। हम खट्टर साहब से मांगना है अपना हक, हमारी नौकरी हमको वापस दी जाए और हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द गिरवाई जाए जी, हमारी ये मांग है। महीना का वेतन रोक रखा हमारा, बता क्या मतलब है, वेतन तो हमारा रोक रखा है, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी तनख्वाह जो करे हुई थी ये कही थी खट्टर साहब ने, बोला था कि जिसकी तनख्वाह रुक के आएगी उसको 500 रुपए जुर्माना ला के बढ़ के मिलेगी, और हमारा करेड़ा नहीं दे रहा था, हमें जुर्माना कहाँ से देगा बढ़ के। थाली पीटने का ये विरोध है, तो थाली तो खाली पड़ी है, तो खाली बर्तने बजावेंगे और क्या करेंगे, ढोल बजा क्या मांगे, ये बताइए ढोल बजा माला लेके आवा, खट्टर साहब बना ले जाएंगे, ये बताइए माला लेके आवा, ढोल बजा के आवागे, खट्टर साहब ने गालन खातर क्या अच्छा काम कर रहे हो, थाली पीटेंगे और क्या करेंगे, रोते भूखे मरते, हम तो रोड पे उतरे गोली खा ला, खट्टर साहब से यही मांगा हमारी गोली खा ला, इस तक और क्या करें। हम जी थाली नु पीट रहे हैं जी, हम ठेके काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, हमारे को लगा रखा था हमारे 3 महीने की, एक तो हमारे को सैलरी नहीं दे रहे, हमारा पीए वगैरह भी रुका हुआ, जो हमारा फंड का पीस है वो भी रुका हुआ जी, और हमारे को ठेकेदार ने निकाल दिया है, तो हम अब बताओ कहाँ जाएं जी, अब बताओ हम कहाँ जाएं जी, ऊपर से हमारे को हटा दिया और नया ठेका मान टेंडर आ लिया है, उसमें हमारे को मना कर दिया कि हम पुराने को नहीं लगाते, तो हम कहाँ जाएं जी, अब हम खट्टर के पास ये ऐसे ही कर रहे हैं, अब खाली थाली ऐसे बजा रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। नौकरी लगाई जी, कुछ आश्वासन दिया था, हाँ जी हमारे को ये कहा था, सुनो जी हमारे को ये कह के लगाए थे कि भाई आने वाले समय में तुम्हारे को मान ले कॉन्ट्रैक्ट पे से मान ले डीसी रेट पे लिया जाएगा, जब हम लगाए थे कि डीसी रेट पे तुम्हारे को लिया जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे लगाए थे इसलिए हमारे को 9 साल हो गए, पूरे नौकरी करते को 10वीं साल लग चुकी है जी, एकदम से हम निकाल दिए, 3 महीने की हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, और हमारा वेतन जो भी है मान ले कटा था वो भी नहीं मिल रहा पूरा, परिवार चलाने का और क्या करें, कैसे चलाओ, अब क्यों ऐसे चलाएं, भूखे मर रहे हैं, तभी तो साड़ी खाली लेके घूम रहे हैं, बजा रहे हैं खट्टर को, बता रहे हैं कि भाई हमारे को दिलवाओ कुछ, हमारे को रोजगार चाहिए जी, हमारे को रोजगार चाहिए, चाहे हमारे को मान ले डीसी रेट का चाहिए अब की बार, या कौशल में या हमारे को डीसी रेट पे, अब हम ठेकेदार के अंडर में नौकरी करना नहीं चाहते, क्या मतलब है, बार बार में हमारे को गरीबी गरीबा का मजाक बनाया जा रहा है, बार बार में गरीबा का मजाक बनाया जा रहा है, ठेकेदार जब भी हमारे को लात मार के निकाल देता है तो सरकार कहाँ गई, हमारा अधिकार क्यों नहीं देती, क्या हम काम नहीं करते, या हम गंद नहीं साफ करते, क्या नहीं करते। देवर के साथ में हूँ, मेरा पति भी नहीं है, एक लड़का है 16 साल का, लड़की है 13 साल की, क्यों स्कूल में भी नहीं जा रही, घर बैठे है, खाने के लिए नहीं कुछ, ये भीख मांग मांग के ले ला दूँ मैं उन, घर पर आदमी है कमाने वाला, वो आदमी है नहीं तो मैं किसके सारे पे क्या करूँ, उसका कुछ भी तो होना चाहिए, इस सरकार ने कुछ तो देखना चाहिए, ठेका ला लिए ये बटा दिए तो ये बड़का ने कितने के करा, जिस तरह कहा कि इतने दिन जो सैलरी आपकी तो वेतन है रुका हुआ है, तो घर में भी बहुत समस्याएं होती है, क्या करे जिधे तो ये थाली पीट रहे हैं, जिधे तो ये प्रात सब कुछ लेके आ रहे हैं, राशन भी कट रहा मेरा, तो राशन कार्ड भी कट गया, राशन कार्ड भी बंद हो रहा मेरा, तो आप चीज आके लिस्ट में वो तो कंप्यूटर में आप ये भी देख दोगे एक राशन कार्ड कट रहा है इसका, मेरा राशन कार्ड नहीं मिल रहा, क्या चाहते ये चावा डीसी रेट पर आ जावा, अपने बालका ने पाल लेवा, कुछ तो मिलना चाहिए, डीसी रेट पर हो जावा, अपने बच्चे ने तो पाल लेंगे।